नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। मैं आपके साथ खुशी सिंह। आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर एमपी के छतरपुर से। सावन महीने में लोग भगवान भोले को खुश और लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। इस बीच एमपी के छतरपुर से एक घटना सामने आई है, जहां एक दीप्यांशु पलिया नाम के युवक ने 11 दिन का व्रत शिवम मिश्रा को जान से मारने के लिए रखा था, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। सीसीटीवी कैमरा लगवाने के बहाने अपने दोस्त की दुकान पर बुलवाया और पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में दो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना का खुलासा किया। लाइन क्षेत्र अंतर्गत 1 तारीख को एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट जो इंसान कायम हुआ था, और उसके बाद से ही हमारी टीम लगातार सर्च कर रही थी कि जो व्यक्ति गुम हुआ है उसके बारे में क्या जानकारी जुटाई जा सकती है। कई प्रकार से जांच की और साक्ष्यों के आधार पर ये पाया गया कि दो मुख्य आरोपी दिव्यांशु पाली और राहुल विश्वकर्मा, जिन्होंने उस व्यक्ति की हत्या कर दी है, और उसका कारण ये था कि पूर्व की महिला से बातचीत को लेकर के एक रंजिश थी, जिसको लेकर के दिव्यांशु चाहता था कि वो इस घटना को खारिज करे। तो उसने बहाने से फ़ोन लगा करके उसको अपनी दुकान पर बुलाया, और इन दोनों ने दो अज्ञात लोगों के साथ मिल करके उसको वहाँ पर मारा, और मारने के बाद उन्हें फूल डीलर में बॉडी को लेकर के लिए करौली के पास किसान पुल पर गए, और वहाँ से उन्होंने बॉडी को लगी गई। जब ये तथ्य सामने आए तो उसके बाद से 3 दिन तक हमारी पुलिस की और SDRF की टीम लगातार वहाँ पर सर्चिंग करती रही, ताकि घटना की सत्यता को जान सकें, प्रमाणित कर सकें, और बाद में 3 दिन की सर्चिंग के बाद कड़ी मेहनत के बाद बॉडी को रिकवर किया गया। इससे घटना प्रमाणित हुई, और उसके बाद राहुल विश्वकर्मा इसमें जो कि ऑलरेडी अरेस्ट किए जा चुके हैं, आज दिव्यांशु पालिया जो मुख्य आरोपी है जिसकी पुरानी विशेष थी उसको भी अरेस्ट किया गया है। इनको पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है ताकि जांच में अन्य तथ्य जो है वो भी सामने आ सके। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग खचरौड रोड पर पहुंचकर भारी गड़बड़ी का उजागर किया, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आ गए हैं और अब मदरसे की जांच शुरू कर चुकी है। रतलाल जिला प्रशासन की टीम को मदरसे से 8 और 12 साल की उम्र की 32 लड़कियां मिली हैं। इसके बाद हरकम मच गया। वहीं प्रशासन इस मामले को लेकर क्या कहा, सुनिए। देश के हर कोने में बारिश हो रही है। इसी बीच नर्मदापुरम जिले में 2 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश को देखते हुए इटारसी SDM ने क्षतिग्रस्त मकानों को तोड़ने का निर्णय लिया और मंगलवार के दिन कार्रवाई शुरू कर दी। SDM टी प्रतीक राव ने नगरपालिका के साथ मिलकर मकान तोड़ने पहुंचे। इसके बाद 14 क्षतिग्रस्त मकानों को तोड़ने पर कार्रवाई की गई। इसे लेकर टी प्रतीक राव ने क्या कहा, सुनिए। ये बारिश को देखते हुए, वर्षा काफ़ी वक्त से और काफ़ी ज़ोर से हो रही है पिछले 2 से 3 हफ्तों में, तो नगर पालिका का इनिशिएटिव है कि जितने भी जीर्ण शीर्ण भवन हैं शुरुआत कर रहे हैं शहरी इलाकों से, तो इनको एक एक करके गिराया जाए ताकि ये क्षतिपूर्ण होकर कहीं किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ और कहीं जनहानि ना हो। तो इसी कारण से आज ड्राइव के रूप में आज से शुरुआत करी गई है, और अगले कुछ दिनों में जितने भी ऐसे भवन इटारसी क्षेत्र में हैं नगर पालिका द्वारा इसमें कार्रवाई करी जा रही है। हमने उनको इंस्ट्रक्ट किया था, और लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से तहसीलदार और मैं यहाँ उपस्थित हैं देखने के लिए कि कोई और यहाँ विवाद ना हो और ऐसी कोई घटना ना हो। रीवा शहर के बोदाबाग में स्थित अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास के लगभग आधा दर्जन छात्र देर रात सिविल थाना क्षेत्र पहुंचे और आरोप लगाए कि छात्रावास में जो खाना दिया जा रहा है वो खाने लायक नहीं है। सभी छात्र नाराज होकर देर रात थाना पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और छात्र को समझाकर पुलिस के वाहन से सभी छात्रों को छात्रावास भेज दिया। कुमार हरिवार है, ये सीनियर छात्रावास बोदाबाग में है। सर क्या हुआ है? सर वहाँ पे पहले से कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे खाने में चावल था उसमें कीड़े मिला करते थे। मैंने 2-3 बार अवगत कराया था इस जानकारी सर को। सर ने थोड़ा डांटा भी था जो खाना बनाने वाले थे, पर वो लोग सुधार नहीं किए इसी तरह था। और क्या हुआ कि आज सब्जी बनी थी केले की, उसमें छिलके भी हैं सर, केले की सब्जी में एक भी स्वाद नहीं था, पानी भी डाला हुआ था। तो मैं बोला सर आज खाना ख़राब है, नहीं खा रहे बच्चे। तो सर बोले कि इसकी जानकारी मैं कल, मतलब आज तुम लोग खा लो दाल चावल, कल जो भी होगा करेंगे। आज आप शिकायत लेके थाने पहुँचे हैं? यस सर। क्या वही सर खाने की घटना क्रम क्या था? खाने सर केले की सब्जी में पानी डाला हुआ था, देखिए स्वाद नहीं थी सब्जी में, और इसीलिए हम सर से बताया भी है अपने अधीक्षक सर से कि सर वहाँ खाना ख़राब है, आप आके एक बार उसको बनवा दीजिए फिर से। तो बोले कि नहीं आज जो खा लो दाल चावल, कल देखा जाएगा। ये इसमें अभी कलेक्टर मैडम का सूचना आई थी कि कुछ बच्चे जो है छात्रावास के
थाने की तरफ गए हुए हैं, कुछ शिकायत है इनकी। तो इस संबंध में तहसीलदार साहब और हम जो है तत्काल जो है हम मौके पर पहुँचे हैं। बच्चों द्वारा बताया जा रहा है कि जो आज जो भोजन बना था वो काफ़ी अच्छा नहीं लगा इनको, और उसकी जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। तो इस संबंध में अभी अधीक्षक को हमने बुलाया है। आज बच्चे बता रहे हैं कि किसी ने खाना नहीं खाया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसके लिए अधीक्षक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी जांच करने के उपरांत में। इनकी कुछ और डिमांड है मच्छर जाली इत्यादि की, तो जैसे ही बजट प्राप्त होगा तो वो कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। रीवा के तराई आंचल में एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या करने का मामला सामने आया है। पति के साथ अवैध संबंध के संदेह में छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीण के मुताबिक इस बात को लेकर अक्सर विनोद घर में विवाद करता रहता था। इस पूरे मामले में एसपी विवेक सिंह ने क्या कहा, सुनिए। जने के खबरा कला गांव में आज सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति आनंद कोल की मृत्यु हो गई है, और जब वहां पे पूरी जानकारी ली गई तो ये पता चला कि आनंद कोल को उसके भाई विनोद कोल ने ही मारा है कुल्हाड़ी से, और जिसमें इसमें हत्या का अपराध इसमें कायम करके अग्रिम विवेचना की जा रही है, और आनंद को इसमें कस्टडी में लिया गया है, विनोद को कस्टडी में लिया गया है और बाकी विवेचना की जा रही है। अभी कारणों का पूरा जो क्लियर होंगे वो विवेचना में ही क्लियर हो पाएंगे। इसमें प्रथम दृष्टया कोई घरेलू विवाद है, उसकी वजह से पहले अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था, फिर इसके भाई ने उसको इसके ऊपर हमला कर दिया, तो अभी कोई घरेलू विवाद का कारण समझ में आ रहा है। विदिशा जिला के नटेरन तहसील के अंतर्गत पीपलधार कन्या छात्रावास में कक्षा 6 की आधा दर्जन छात्राओं के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। उसमें से एक छात्र की तबीयत बिगड़ने पर शमशाबाद रेफर कर दिया गया। मारपीट की जानकारी लगने पर परिजन छात्रावास पहुंचे और अपनी बच्चियों को अपने साथ ले गए और साथ ही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी नटेरन हूँ। ये लगभग 11 बजे के समथिंग मेरे संज्ञान में भी ऐसा मामला आया था कि कुछ बच्चियों के साथ में वहाँ की जो वार्डन है तबस्सुम खान, उसके द्वारा मारपीट की गई है। कुछ पढ़ाई से इशू थे, तो उन्होंने जब इस प्रकरण के लिए पता किया तो मैंने वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं संकुल प्राचार्य श्री महावर जी, प्रभारी प्राचार्य थे आज वो, और एक CAC को, दोनों को उस छात्रावास में भेजा। वहाँ जाकर जब पता किया गया तो लगभग 6 से 7 बच्चियों के साथ में हल्की फुल्की कोई पढ़ाई से इशू लेकर मारपीट हुई। उनमें से एक बच्ची जो थी वो BP की वजह से, डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने बताया इसका BP लो हो गया है, BP की वजह से वह थोड़ा सा बेहोश टाइप की हो गई थी, जिसको शमशाबाद लेके गए, वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया था, वापस गार्जियंस को दे दिया, और वो गोकुलपुर की निवासी थी तो अपने उसके गार्जियंस वापस घर ले गए थे। MP के डिंडोरिया में नर्मदा नदी में एक अज्ञात शव मिलने की घटना सामने आई। घटना की जानकारी मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस SDRF की टीम मौके पर पहुंची और अज्ञात शव को बाहर निकाला और जांच शुरू कर दी। गुमसदी की जानकारी नहीं होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। अभी लोगों के द्वारा जानकारी मिली थी कि नर्मदा नदी डेम घाट के नीचे, नर्मदा मंदिर के नीचे वाले घाट में किसी व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है। आकर पंचायतों की मदद से बॉडी को निकाला गया है, जिसमें पुरुष की उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच लग रही है। इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। शुक्रिया।